नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली चुनाव पर ये जो बड़ी खबर आ रही है, जिसके तहत पता लगा है कि दिल्ली के द्वारका इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए गए हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तस्वीर कि लोगों ने छत से कुछ पेपर्स भी फेंके हैं उनके ऊपर। तो ये द्वारका का इलाका है जहां पर रोड शो कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि ऊपर से लोगों ने काले कपड़े उनको दिखाए, साथ ही साथ उनके हाथों में कुछ बैनर है जो इस तरफ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनका रुख दूसरी तरफ है, और साथ ही आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ कागज उनके ऊपर फेंके हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की जहां पर 8 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के ओर से, उनकी पार्टी की ओर से, कि वो 70 की 70 सीटें जीत के आएंगे, लेकिन इस बीच जो लोग उनसे नाराज हैं उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है जो द्वारका से है, जहां पर आप देख सकते हैं छत पर लोगों ने अपने हाथ में कुछ पोस्टर बैनर तरह ले रखा है, प्ले कार्ड्स हैं ये, और इसमें लिखा हुआ जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोग अपने हाथों के जरिए काला कपड़ा दिखा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ पैम्फलेट्स टाइप की चीज़ें भी फेंकी गई है जो ये रोड शो निकल रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, हम आपको जरा सुनवाते हैं कि अगर कोई उनकी नारे सुनाई दे हमें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं और इसी दौरान जब वो द्वारका में पहुंचे तो एक गली से जब वो गुजर रहे थे उसी दौरान आप देख सकते हैं छत पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने काले कपड़े दिखाए, इसके अलावा उनके हाथ में कुछ कार्डबोर्ड्स थे जिसके ज़रिए वो कुछ बताना चाहते थे, अपनी उनकी कोई बातें रही होंगी जो अरविंद केजरीवाल को बताना चाह रहे होंगे वो दिखा रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने उनके ऊपर कुछ पैम्पलेट्स टाइप की चीज़ें फेंकी हैं, एक कागज़ फेंकी है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो नाराज़गी है वो रोड शो के दौरान देखने को मिली द्वारका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, उनकी सरकार से। हालांकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का दावा है कि इस बार 67 नहीं 70 की 70 सीटें वो जीतेंगे और लोग उनके कामकाज से खुश हैं, लेकिन इस बीच ही आप देखिए द्वारका से लोगों में नाराजगी की तस्वीर सामने आई है।